दोस्तों वैगनार की सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है कि जो भी कस्टमर एक बार वैगनार चला लेता है या तो फिर अगली बार वैगनार में अपग्रेड करता है या फिर वो उससे ऊपर वाले वेरिएंट लेता है, अंदर आपको टच स्क्रीन वाली डिस्प्ले मिलती है तो कैमरा आपको डिस्प्ले वहीं हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी ने ये कसम खा दी कि आपको अपलिफ्ट वाला ही फील कराना है तो आप नीचे डाउनग्रेड इसको नहीं चला सकते। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वैगनार के बारे में और आप जो देख रहे हैं इसका ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ZXI वेरिएंट जो कि आता है 1.2 लीटर इंजन के साथ। यहाँ पे जो दोस्तों वैगनार है आपको दो इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है 1 लीटर 1.2 लीटर। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि जो 1.2 लीटर में आपका VXI ऑप्शनल वेरिएंट आता है और ये ZXI वाला वेरिएंट है, इनमें से कौन से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनता है। वैसे तो यही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको बताऊंगा इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो इसका आपको एक शोरूम प्राइस पड़ जाता है 5,95,000 रुपीज़, जो कि 20 से 25,000 रुपये ज़्यादा महंगा पड़ता होगा VXI ऑप्शनल से, लेकिन 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने में आपको काफ़ी चीज़ में एक्स्ट्रा मिल जाती हैं तो वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं। ये गाड़ी का जो कलर देख रहे हैं ये इसका सॉलिड वाइट कलर, तो काफ़ी अच्छी लग रही है इस कलर में। और चाबी से शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे एक्सटीरियर की। तो इस तरीके से आपको इसे की मिलेगी, फ्लिप की नहीं मिलती है, नॉर्मल से की मिलेगी। आगे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, पीछे इसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा और लॉक और अनलॉक करने में गाड़ी में सायरन की आवाज़ आती है इस तरीके से। तो फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट लुक इसका काफ़ी ब्रॉड रखा गया है, पुरानी वाली वैगनार से जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गई है, लेकिन इसकी जो लेंथ थोड़ी सी कम करी गई है। अगर यहाँ पे हम हेडलैम्प की बात करते हैं तो इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, जिसका जो स्प्रे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा इसके हेडलैम्प का साइज़ रखा गया है इस बार। और नीचे इसमें आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ कि ZXI में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है फ्रंट में, तो वो मिल रहा है आपको फॉग लैंप। तो 20 से 25,000 रुपये देने में आपको सबसे पहले चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है वो मिल जाती है फॉग लैंप पे, जिसकी वजह से जो आपकी नाइट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सेंटर में आप देखेंगे तो सुजुकी का लोगो है और शानदार यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है बीच में, जिसकी वजह से जो लुक है काफ़ी बेटर बन रहा है। तो जो फ्रंट का ओवरऑल लुक है कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। अब बात करते हैं इसके इंजन की, जो कि इसका सबसे मेन फीचर है। दोस्तों अगर आपको वैगनार में 1.2 में टॉप एंड वेरिएंट लेना है तो वो ZXI में ही मिलेगा, और अगर आपको 1.0 में जाना है तो उसमें आपको ZXI वेरिएंट नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको VXI ऑप्शनल वेरिएंट मिलता है। तो फिलहाल बात करते हैं इस इंजन ऑप्शन की। तो यहाँ पर आपको जो पावर फिगर्स है वो मिलते हैं 83 BHP और 113 Nm का टॉर्क, तो काफ़ी इसमें आपको अच्छी पावर मिल जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको 1 लीटर में जाना चाहिए या फिर 1.2 लीटर में जाना चाहिए। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिनकी ड्राइविंग सिर्फ हाईवेज़ में रहती है, उनको सिटी वाइज गाड़ी चलानी है, तो उनके लिए 1 लीटर काफ़ी इनफ है, लेकिन जिनको हिली एरियाज़ में चलाना है गाड़ी को, जिनके अंदर 5 लोग बैठेंगे आराम से, उनको हिली से में जाने, तो 1.2 लीटर काफी बेटर रहेगा उनके लिए। अगर माइलेज की बात करते हैं तो कंपनी 1.2 लीटर के साथ आपको 20 प्लस का माइलेज क्लेम करके दे देती है। बाकी पीछे आप देखेंगे कोई भी इंसुलेशन नहीं है और टॉप में भी कोई भी इंसुलेशन नहीं है, क्योंकि सच में इंजन इतना रिफाइंड है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इंजन को बंद करते हैं तो कंप्लीट जो हमारा फ्रंट लुक रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। और अब बात करते हैं इस कार के हम साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो कंपनी ने लेंथ है कार की वो थोड़ी सी यहाँ पे कम कर दी, जिसकी वजह से जो रोल ओवर चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करता हूँ तो विड्थ कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंक्रीज कर दी है, जिसकी वजह से जो सेकेंड रूम में जो पैसेंजर्स बैठेंगे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात करते हैं तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो गया है, जिसकी वजह से पॉट होल्स वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी आराम से वहाँ से चले जाएगी। यहाँ पर हम टायर्स की बात करते हैं इसके, तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं इसमें और यहाँ पर MRF के टायर मिलेंगे 14 इसका साइज़ है टायर का, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। व्हील कैप के साथ आपको ये मिल जाता है। अगर मैं यहीं पर सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सेफ्टी में मारुति बिल्कुल बहुत अच्छा काम करती है कि आपको ABS भी देगी, EBD भी देगी, ब्रेक असिस्ट भी देगी। तो इसके कंपैरिजन में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उसके मुकाबले आपको तीनों चीज़ें यहाँ पर बस यही कंपनी है जो प्रोवाइड करके देती है। अगर मैं इसके ORM की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलेगा, और ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आप एक्स्ट्रा आपको मिल जा रहा है ZXI वेरिएंट में। VXI ऑप्शन वाले वेरिएंट में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। यहीं पर फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो को ड्राइवर साइड आपको इसका फ्यूल टैंक का लीवर मिल जाता है और 32 लीटर गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो दोस्तों जो कार का साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से मिलता है, काफ़ी बड़े इसमें गेट भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप एंट्री भी कर रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ को। दोस्तों रियर प्रोफाइल की यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसका पूरा लुक देखिए पीछे से, कितना टॉल वॉय जैसे इसका लुक मिलता है। तो सबसे अच्छी चीज़ इसकी लगती है मुझे पीछे का लुक। अगर यहाँ पर हम टेल लैंप्स की बात करते हैं इसके, तो यहाँ पर आपको हेलोजन वाला सेटअप मिलेगा पूरा, इंडिकेटर का, बैक लाइट का, जो पीछे की लाइट है, इसका सारा आपको जो सिस्टम है पूरा हेलोजन में मिलेगा। अगर यहाँ पे हम चेंजेस की बात करते हैं कि आपको क्या इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ZXI वेरिएंट में, तो वो आपको मिलता है इसका वाइपर और डिफॉगर। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको एक्स्ट्रा पे करने में ये सब चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं। बाकी सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, वैगनार पे हमें पूरा क्रोम ट्रीटमेंट दे रखा है, जिसकी वजह से जो लुक बन रहा है कंप्लीटली पीछे का वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। दो पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, वो कैमरा इसमें नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट भी एक्सेसरीज में कैमरा लगाते हो तो उसका सबसे अच्छा फायदा क्या मिलेगा, अंदर आपको टच स्क्रीन वाली डिस्प्ले मिलती है तो कैमरा आपको डिस्प्ले वहीं हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी जो पीछे का लुक है कंप्लीटली आपको इस तरीके से मिलता है, नीचे दो रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस के। हम यहाँ पे
दोस्तों इस कार के अंदर आपको मिलता है 341 लीटर का बूट स्पेस, जिसके वजह से जो इसके अंदर आपको सामान वगैरह रखना है वो ईजिली रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पूरे यहाँ पे दोस्तों कारपेट फिट हो रखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपका सामान में कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे और बहुत अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेसिंग चाहिए तो कार के अंदर 60-40 स्पेयर सीट का रेशियो भी मिल जाता है, आप अपने हिसाब से स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो वो भी आपको स्टील से मिलेगा सेम साइज़ का, और इस तरीके से आपको इसकी पावर सीट मिल जाती है। दोस्तों हमने आपको इस कार के एक्सटीरियर अच्छी तरह समझा दी, अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ को, बात करते हैं इसकी सबसे पहले सेकंड रो सीट से। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सेकंड रो की स्पेसिंग की, तो काफ़ी आपको अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है। अगर आप तीन लोग भी बैठना चाहते हो कार के अंदर तो बड़े आराम से तीन लोग बैठ जाओगे, क्योंकि बीच में कोई भी हब नहीं मिल रहा है और कोई भी इसमें कप होल्डर वगैरह की प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको सारे कप होल्डर जो है डोर्स में दिए गए हैं। जैसा पीछे पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपको जो डोर कि यहीं पर ही आपको इसे कप होल्डर की प्लेसमेंट दी गई है, वहीं पर डॉक्यूमेंट वगैरह भी कैरी कर सकते हो, और ये फीचर आपको चारों डोर्स में दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो सेकंडों में लोग पीछे बैठेंगे उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूँ सीट के कुशन की, तो कुशन दोस्तों सीट में काफ़ी अच्छा यूज़ रखा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसमें यूज़ रखा है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपके अंदर साइड सपोर्ट में, बैक सपोर्ट में। अगर मैं हेड की सपोर्ट की बात करता हूँ तो पहले मैं इस वाली सीट से बैठ जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हेड सपोर्ट हो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या ना दोस्तों एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, फिक्स वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे होकर ऐसे बैठना पड़ेगा आराम से। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि जो आगे वाली सीट है ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट हो रही है, तो मुझे कोई भी तकलीफ यहाँ पे नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं इतना नीचे बैठने के बाद भी मुझे अच्छा लेग रूम स्पेस यहाँ पे मिल जा रहा है। तो अगर ओवरऑल सीटिंग कम्फर्ट की हमें बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी सीटिंग कम्फर्ट है, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आ रही है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ZX आएगी कि इसमें जो यहाँ पे को ड्राइवर की सीट है इसके पीछे आपको पॉकेट ही मिल जाएगा सीट्स में, और यहाँ पे दोस्तों आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है, बहुत सॉफ्ट सीट है, कोई यहाँ पे आपको नहीं आएगी। बाकी ग्रैब हैंडल्स की बात करते हैं, फिक्स वाले ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, और डोर्स की बात करते हैं यहाँ पे सीधे तो पूरे ब्लैक कलर के डोर यहाँ पे दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक मार रहा है। और यहाँ पे आपको हल्का सा यहाँ पे सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट दे रखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये आपको स्पेसिंग दे रखी है डोर को क्लोज करने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको दोस्तों खाली स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी, स्पीकर इस कार में आपको सिर्फ दो मिलते हैं फ्रंट में। अगर आपको जानना है दोस्तों इस कार की म्यूजिक क्वालिटी कैसी रहेगी, इसकी आउटपुट कैसे निकल के आ रहा है, तो हमें इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। बाकी दोस्तों देख पा रहे होगे कि जो डोर पे यहाँ पे पूरा जो स्पेस बन रहा है खुलने के बाद वो कितना वाइड बन रहा है। अगर कोई लेडीज है जिनके पास कोई बच्चा उनको लेकर के बाहर आना अंदर जाना है तो वो भी आराम से इसमें एंटर और एग्जिट कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है कार की। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर साइड की सीट की तरफ को। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ड्राइवर सीट की कंफर्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल मैं हो रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, तो जो आपको हल्की सी परेशानी पीछे मेरी दिख रही थी यहाँ पर तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी आपको सीट में। अंडर साइड सपोर्ट, बैक सपोर्ट, या फिर मैं आगे अपने नी स्पेसिंग की बात करता हूँ तो सारी स्पेसिंग मुझे अच्छे से मिल जा रही है, और हेड भी मैं आराम से रख ले रहा हूँ। और हेडरूम स्पेस आपको पता है वैगनआर का हमेशा से ज़्यादा रहता है। दोस्तों वैगनआर की सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है कि जो भी कस्टमर एक बार वैगनआर चला लेता है या तो फिर अगली बार वैगनआर में अपग्रेड करता है या फिर वो उससे ऊपर वाले वेरिएंट लेता है, वो अब छोटी वाली गाड़ी में नहीं बैठ पाएगा। तो इसकी आदत ही इसी की थोड़ी गाड़ी आपको अपलिफ्ट वाला फील कराती है, एक बार आप बैठ गए आपका पूरा बोनट अच्छे से विजिबल होगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि गाड़ी ने ये कसम खा दी कि आपको अपलिफ्ट वाला ही फील कराना है, तो आप नीचे डाउन करके इसको नहीं चला सकते हो। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ भी है, पूरा एसयूवी वाला को यहाँ पे फीलिंग की गाड़ी दे देगी। डोर्स की बात करते हैं तो आप पहले आप देख लो डोर का साइज भी कितना बड़ा है, और अप्रॉक्स ये मैं कहूँगा कि 86-87 डिग्री तो ये पूरा खुली आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्पेसिंग बन जा रही है। बाकी यहाँ पे सबसे अच्छा फीचर क्या मिलता है ZX वेरिएंट में कि इसमें आपको वन टच डाउन वाला ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से, तो वन टच अपने मिलेगा डाउन मिलता है। बाकी चारों पावर विंडोज यहीं से ऑपरेट कर सकते हो, विंडोज़ को लॉक अनलॉक कर सकते हो, बाकी डोर को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है। और जैसा आपको मैं बाहर बता रहा था कि ZX के अंदर आपको फोल्डेबल ओआरवीएंस मिल जाते हैं, तो आप अंदर से इस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर आपको जो स्पीकर की प्लेसमेंट दे रखी है इसके अंदर एक्चुअली स्पीकर्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको वाटर वाटर होल्डर मिल जाएगा चारों दरवाजों में, और यहाँ पे आपको अच्छी खासी बड़ी स्पेसिंग मिल जाती है सामान रखने के लिए। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे कि स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। सेफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ से हम, कार के अंदर आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं, बाकी ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्पीडोमीटर आपको निडल वाला मिलेगा, बाकी इसका जो आपको टैकोमीटर है आपको डिजिटल मिल जाएगा, और उसी के अंदर आपको दोस्तों ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे टाइम कितना हो रहा है अभी, आपकी फ्यूल आपकी गाड़ी में कितना बचा हुआ, ये सब डिजिटली आपको शो होगा। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो इस तरीके से यहाँ पर जो लीवर निकला हुआ है इसकी डिस्प्ले में यहाँ पे, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा इस तरीके से, तो इसमें आपको माइलेज मिल जाता है और आपकी रेंज पता चल जाएगी आपको आपने गाड़ी कितने किलोमीटर चला ली है। और यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी का जैसे ट्रिप है
स्ट्रिप भी, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी टाइम भी नीचे देख सकते हो। और जो कि वॉन्ग लाइट सब आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती है, तो काफ़ी बेसिक सा रखा गया है, बहुत अच्छा सा रखा गया, छोटा सा इसका साइज़ है, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहीं पर अगर हम इसके स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले को मैं स्टीयरिंग बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बेसिकली 4-spoke स्टीयरिंग में मिल जाता है राउंड वाला, काफ़ी अच्छा है। लेदर रैप तो नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है यहाँ पे, तो पकड़ने में काफ़ी अच्छा फील आएगा आपको और मार्केट एरिया में चलाने में काफ़ी आसानी होगी इस गाड़ी को। बाकी यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स देख रहे हो, इससे आप जिसका इन्फोटेनमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से कॉल उठा सकते हो, कॉल काट सकते हो। बाकी यहाँ पे इसका वॉइस कमांड वाला भी ऑप्शन है, और यहाँ पर इसका आपको माइक मिल जाएगा इस तरीके से, और ठीक उसी के नीचे आपको इसकी लाइट मिल जाती है कैबिन की। हेलोजन लाइट है, लेकिन स्प्रे काफ़ी वाइड है इसका, काफ़ी अच्छा स्प्रे है, तो एक इनफ है। अगर मैं वैनिटी मिरर्स की बात करता हूँ, तो इस साइड आपको खाली स्ट्रैप मिल जाएगा, मिरर नहीं मिलता है। और अगर उस साइड देखें तो मिरर आपको मिलता है, कोई स्ट्रैप नहीं मिलेगा, लेकिन साइज़ काफ़ी अच्छा है। अगर इसको खोलते हैं यहाँ पर, तो ये ब्लॉकेज भी अच्छी खासी कर लेगा सन को, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों अब तक हमने जान ली है कि इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर मैं फ्रंट की बात करता हूँ, फ्रंट में हमें खाली फॉग लैंप मिल रहे थे, साइड में हमें यहाँ पे इसमें फोल्डेबल वाइपर्स मिल जाते थे, और अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करता हूँ, तो वहाँ पर हमें इसमें वाइपर्स एक्स्ट्रा मिल जा रहा था और इसमें डिफॉगर वगैरह एक्स्ट्रा मिल जा रहा था। लेकिन अगर मैं इसमें इंटीरियर की बात करता हूँ कि इसमें मैं इंटीरियर में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो इसमें एक हिडन फीचर भी जो आपको सिर्फ ZXI में मिलेगा, वो इसका बैकेट वाला फीचर। इसके नीचे आपको हमें ट्रे मिल जाती है इस तरीके से, जो खुलेगी को ड्राइवर के नीचे मिलती है आपको, 1 kg का वेट आराम से ले लेती है। स्पेसिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो छोटा मोटा सामान इसके अंदर रख सकते हो अपना। तो बेसिकली आके यहाँ पे 2 spacing हो गई है ये, और एक यहाँ पे आपकी ग्लव बॉक्स की स्पेसिंग, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप सेंटर में देखेंगे यहाँ पे, तो इसका आपको यहाँ पे इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड एप्पल दोनों को सपोर्ट करेगा वायर के साथ। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रही है कंपनी। जैसे आपको बता रहा था कि अगर आप आफ्टर मार्केट कैमरा लगा देते हो, फिर कंपनी से कैमरा लगाते हो, तो उसकी जो भी डिस्प्ले आपको यहीं पर इस साइड मिल जाएगी। बाकी अगर फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से देखते हैं, स्क्रीन शॉट बार को नीचे करते हैं, तो यहाँ से ब्लूटूथ में डिवाइस आप कनेक्ट वगैरह कर सकते हो, और कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे आप गाड़ी चलाते चलाते माइलेज देख सकते हो अपना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी टाइम भी आपको यहीं पर शो हो जाएगा इस तरीके से। नीचे इसमें आपको हज़ार लाइट का बटन मिल जाएगा, बाकी उसके नीचे आप देखेंगे इसमें आपको AC मिल जाता है, AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेकिन मैनुअली ऑपरेट करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है इस तरीके से, और USB और ऑक्स का भी यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी नीचे आपको अच्छी खासी डीप स्पेसिंग मिल जाती है, तो अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। बाकी यहाँ पे आपको इसका 5-speed का गियरबॉक्स मिल जाएगा विथ रिवर्स के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कप होल्डर मिल जाता है, काफ़ी बड़ी वाटर बॉटल भी यहाँ पे आप रख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसके यहाँ पे हैंडब्रेक हो गया। तो दोस्तों अगर देखा जाए, तो जो ZXI वेरिएंट है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जा रहा है, क्योंकि 27 से 28 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने में हमें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जा रही है। इंटीरियर में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जा रही है, लाइक स्पीकर हमें एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, और एक बकेट वाला ऑप्शन मिल जा रहा है, और बाहर वाले फीचर्स मैंने आपको समझा ही दिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं रखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। एंड हाँ, अगर आप हल्द्वानी से बिलोंग करते हो, आप चाहते हो मारुति कोई कार लेना, तो आप यहाँ पे कटघेरा चौराहे पे जो शोरूम है मारुति, वहाँ पर आ सकते हो। उनके पास सारी कार्स यहाँ पे अवेलेबल है, वैगन यहाँ पे खड़ी है, उसके बगल में सिलेरियो देख सकते हो, वहाँ पे सारी कार यहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इनको कॉल कर सकते हो अगर आप हल्द्वानी से बिलोंग करते हो। तो बस दोस्तों आज वीडियो को इतना ही रखते हैं। नए आए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।